अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं voicepk.net और मैं हूं आपका होस्ट अहमद सईद। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो है मिस आयशा मुगल। और मिस आयशा मुगल को रिसेंटली एक बरतानवी ऑनलाइन मैगज़ीन ने दुनिया की सक्सेसफुल ट्रांस पर्सन में से एक करार दिया है। और इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, फरवरी में एक यून कन्वेंशन हुआ था जो जिंसी और सिन्फी मसाफात के खिलाफ, मतलब सिन्फी जो अदम तवाज़ुन है उसके खिलाफ। तो हम मिस आयशा को वेलकम करते हैं आज के अपने इस एपिसोड में। सबसे पहले तो मिस आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए एक बेहतर नाम कमाया है और एक अचीवमेंट ली है, आपका नाम आया है। आपकी इससे पहले भी एक हिस्ट्री रही है ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से, तो थोड़ा सा आप हमें बताएं अपनी लाइफ के और अपनी स्ट्रगल के बारे में कि किस तरह से आप इस मकाम तक पहुंची हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए, एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल दी एप्रिसिएशन। जो स्ट्रगल है, आई थिंक जो ट्रांसजेंडर अफराद हैं हमारे मुल्क में एंड अराउंड द ग्लोब, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज फोकसेस ऑन द सॉल्यूशंस। एंड बचपन से ही मुझे अंदाज़ा था इस बात का कि अगर मुझे इस माशरे के अंदर इज्जत का मकाम हासिल करना है तो मुझे अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करनी है और करियर बनाना है। So I was always focused and determined since my childhood. School mein, college mein and even university mein challenges hote hain, aapko bullying ka samna karna padta hai kyunki when you are different from others you face discrimination, you face bullying, and being a transgender student mushkil ho jata hai kyunki aapka koi dost nahi hota, aap because you don't know, you do not fit into the boxes of man and woman which society has created. Lekin I think I'm blessed ki I was determined. Maine apni education jo hai wo complete ki. Iske saath saath mera passion bhi tha to work for the transgender rights, for my rights. To uske liye jo hai main kaam karti rahi aur I think I was blessed ki Allah Mian ne mujhe acche platforms provide kiye aur I think that was the reason कि मैं आज I think इस मुकाम पे पहुंच पाई। तो मिस आयशा, आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में एज ट्रांसजेंडर एक्सपर्ट भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं, तो थोड़ा सा हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये रोल है क्या और इस रोल में आप किस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको पता है कि 2018 में ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो पाकिस्तान में पास हो गया था और इसका जो 2017 से ऑनवर्ड जब इसकी हम बिल पे काम कर रहे थे, आज तो वो एक्ट है, तो उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज द मेंबर ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स ऑन द बिल। फिर उसके बाद जब ये बिल पास हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो अपनाई और इसी वजह से मेरी हायरिंग भी हुई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में। और मेरा काम यही है कि जो ये एक्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया जाए, जिसके लिए हम जो रेलेवेंट पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए उस पर हम काम कर रहे हैं, ताकि जो तमाम चैप्टर्स हैं, जो सेक्शंस हैं इस एक्ट के, उसको हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करा सकें। मैम, आपने 2 फरवरी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया था, यूएन कन्वेंशन था एक अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सवाल से, सीडॉ कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। जी यस, तो थोड़ा सा हमें बताएं कि वो एक कैसा मोमेंट था आपकी लाइफ में और कैसा आपको फील हुआ और उधर आपने बेसिकली क्या बात की थी वहां पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो थी उसके ऊपर डिस्कशन था यूएन के अंदर, क्योंकि हर कंट्री अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर है सीडॉ कमेटी में, जो सीडॉ बेसिकली कमेटी है ऑन द टू एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं दुनिया के इस कमेटी का हिस्सा हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। तो एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर डिस्कशन था, उस पर जो पूरी दुनिया के सवाल थे उनका जवाब देना था, और जो मेरी वहाँ पर पार्टिसिपेशन थी
वो एक पाकिस्तान के लिए बहुत दैट हैज इंक्रीज द गुडविल ऑफ पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान पाकिस्तानी गवर्नमेंट दुनिया की पहली गवर्नमेंट बन गई जो अपने गवर्नमेंट डेलीगेशन के अंदर एक ट्रांसजेंडर पर्सन को साथ लेकर गई थी यूएन की सीरो कमेटी में। तो इसे बहुत अप्रिसिएशन मिला इंटरनेशनली और नेशनली भी। तो आई थिंक फॉर मी दिस वाज अ रियली प्राउड मोमेंट टू मेक माय कंट्री प्राउड इन द इंटरनेशनल अरीना। क्या स्टेप्स उठाने चाहिए या उठाए जा रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को फर्स्ट तो उन्हें एजुकेट किया जाए, और जिस तरह जब वो एजुकेशन ये कंप्लीट कर लें और उन्हें फिर इंडक्ट किया जाए डिफरेंट सर्विसेज में, खासतौर पे गवर्नमेंट सर्विसेज में, ताकि उनकी एक मोराल बूस्टिंग हो, जिस तरह से आप एक एग्जाम्पल हैं। आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया है कि वी नीड टू हैव मोर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को, और स्पेशली जो HEC है, हायर एजुकेशन है, और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उससे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि वो ट्रांस जनरल अफराद के लिए एक स्पेशल कोटा प्रोवाइड करें ताकि उनको जो तो तालीम है वो उनको मिल सके। और इसके अलावा हमें जॉब्स में कोटा की बहुत ज़रूरत है, गवर्नमेंट के अंदर भी एंड प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी, कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अपने HR मैनुअल्स के अंदर या उसके अंदर ट्रांसजेंडर के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन करें, जिस ताकि वो मेन स्ट्रीम कर सकें। और इसके साथ साथ क्योंकि हम ज़्यादातर तो जो ट्रांस कम्युनिटी है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, तो उनके लिए हमें जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट करनी चाहिए, और लोन्स जो हैं स्मॉल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो हैं, या ग्रांट्स देने चाहिए ताकि वो अपने छोटे छोटे कारोबार जो हैं वो कर सकें। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू इन फ्यूचर ऑल्सो, कि हम मजीद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें ट्रांसजेंडर अफराद के लिए। हमने एक चीज देखी है मुआशरे में कि स्टीरियोटाइप किया जाता है इस कम्युनिटी को, खास तौर पर इस स्टीरियोटाइपिंग को खत्म करने के लिए बाकी पाकिस्तान जो आम आवाम है उसकी हम किस तरह से हम उन्हें किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि बेशक वो वहां पे तालीम तो हासिल कर रहे हैं शायद, लेकिन उनको इतना शऊर नहीं है कि हमें इन इस कम्युनिटी के साथ भी एक इंसानों जैसा रवैया रवा रखना चाहिए। देखें, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है, क्योंकि अभी तक जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि सोसाइटी की एक सोशल एक्सेप्टेंस जो है और जो आपकी फैमिली एक्सेप्टेंस है वो सबसे बड़ा चैलेंज है आज भी ट्रांस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जो एक स्टिग्मा अटैच हुआ हुआ है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जो एक नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि ट्रांसजेंडर्स को हम जॉब्स दें, उनको हम सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव सिटीजन बना सकें, ताकि तब जब लोग देखते हैं कि ट्रांसजेंडर भी सेंसिबल हैं, वो भी एजुकेटेड हैं, वो तमाम जॉब्स कर सकते हैं जो मर्द और औरतें कर रहे हैं, तो इसी तरह जो है सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगा। सो वी नीड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल चेंज जो है दैट टेक्स टाइम, बट आई एम ग्लैड कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब जैसे लीगल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अभी और स्पेशली इसके अंदर जो मीडिया है दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि वो पॉजिटिव स्टोरीज को, जिस तरह आप आज हाईलाइट कर रहे हैं, और अभी हम देखते हैं कि मीडिया काफ़ी स्टोरीज को हाईलाइट करता है जो अच्छी पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज हैं ट्रांसजेंडर अफराद की, उनकी हमें ज़रूरत है, ताकि जो फैमिलीज हैं वो अपने ट्रांसजेंडर जो उनका औलाद है, जो बहन भाई है, उसको वो उसी डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर सकें जैसे वो अपने बाकी बहन भाई को करते हैं। टूवर्ड्स द वेरी लास्ट, तो कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद को और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को, कोई मैसेज आपकी तरफ से हमारे प्लेटफॉर्म से अगर ठीक है, जाए मेरा तो? तो मैसेज जो है वो होप का है, बिकॉज आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव टू एनीबॉडी इज होप, और उम्मीद जो है वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए। मुझसे काफ़ी दफ़ा सवाल होता है मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि आपको कभी लगा कि यू हैव टू गिव अप, तो मैं बगैर सोच समझे ये जवाब दे देती हूँ कि मतलब मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे हिम्मत हारनी चाहिए या गिव अप करना चाहिए, क्योंकि मुश्किलात जो हैं वो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो ख्वाजा सरा हैं, लेकिन एक कामयाब इंसान वही है जो हर हाल में खुश रहे और हर हाल में सॉल्यूशंस की तरफ जाए। मतलब प्रॉब्लम्स तो होती हैं, बट वी नीड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। तो अपनी कम्युनिटी को भी मैं हमेशा यही मोटिवेट करती हूँ कि
हम अच्छी उम्मीद रखें। और अभी जिस तरह से हमने इतनी पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं पाकिस्तान में, तो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले जो साल होंगे वो कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर होंगे। और जो बाकी आपने कहा कि हम एडवाइस अगर मैं अपनी कम्युनिटी को देना चाहूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ट्रांस कम्युनिटी है वो बड़ी जिंदा दिल कम्युनिटी है। आप देखते हैं कितने मुश्किल के बावजूद भी ट्रांस जेंडर अफराद जो हैं वो खुश रहते हैं, वो उनके अंदर हिम्मत होता है, उनमें हौसला है। तो ट्रांस कम्युनिटी जो है वो मोस्टली दे आर motivated and they want to be part of the mainstream society and they want to be part of they want to be the productive citizen of the country. लेकिन साथ साथ जो mainstream society है उसको भी अपने दरवाजे खोलने की ज़रूरत है। government initiatives दे रही है, लेकिन government के साथ साथ जो civil society है, जो corporate sector है, they have to include transgender workforce के वो अपने इदारों के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर वो जॉब्स क्रिएट करें और हायरिंग करें ट्रांसजेंडर्स की, ताकि वो एक नॉर्मलाइज हम नॉर्मलाइज कर सकें इस यू नो इस जेंडर को। ये ट्रांसजेंडर होना जो है वो कोई अलग बात ना हो, जिस तरह एक मर्द है औरत है वैसे ही ट्रांसजेंडर हो और वो भी अपना रोल प्ले करें एज द प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।